कुछ वड्डे हादसे जिन्हां दे विच इक हैरानीजनक खबर है तुहानूं दसदे आं। सब तो पहला पंजाब दे गुरदासपुर तो खबर है, जिथे कस्बा कलानौर दे विच इक मासूम बच्चा पतंग की डोर फड़दे हुए अपने घर की छत तो डिग पिया, उसके सिर च सट वजी है, हस्पताल दे विच दाखल है। बच्चे दे पिता ने इस घटना तो बाद अपील की है कि जानलेवा प्लास्टिक डोर ते पाबंदी लगनी चाहीदी है। असीं वी सारयां नूं अपील करदे हाँ कि पतंग जिहड़े उड़ाउणे ने बच्चयां ने, उह छत्तां ते चढ़ के ना उड़ाए जाण, बल्कि थल्ले मैदानां दे विच खड़ के भी पतंग उड़ाए जा सकते हैं। सिविल हस्पताल की मेडिकल अफसर डॉक्टर रीतिका ने भी कहा कि पहला भी जिहे कई मामले उन्होंने कोल पहुंच चुके हैं, मुद्दा गंभीर है। बठिंडा तो खबर है, जिथे थाना थर्मल नेड़े खेता सिंह बस्ती दे विच दिन चढ़ते एक औरत का कतल कर दिता गया, उसका पुत्र गंभीर जख्मी है। वारदात की सूचना मिलदिया ही थर्म पुलिस ने मौके पर पहुंच के लाश को कब्जे में लेके कार्रवाई शुरू कर दी है। जख्मी नौजवान सहारा संस्था की मदद नाल सरकारी हस्पताल च दाखिल करवाया गया। मृतका की पछाण मधु राणी गली नंबर 2 खेता सिंह बस्ती वजो हुई है। कतल के कारणों का हाले तक पता नहीं लग सकिया। यूपी के मथुरा के अजिही घटना वापरी है जिस तो बहुत लोगों नू सबक सीखने की लोड़ है। मथुरा के मोबाइल से गेम खेडन वाले 13 साल बच्चे मुहम्मद जुनैद की जान उस वक्त मुसीबत दे विच आ गई जदों गेम खेडते खेडते मोबाइल अचानक फट गया, यानी कि मोबाइल च धमाका हो गया। धमाके कारण बच्चा बुरी तरह के नाल झुलस गया, अखां अते मूँह ते सब तो ज़्यादा असर होया है। जख्मी हालत में परिवारक मैंबर ने बच्चे नूं हस्पताल च दाखिल करवाया, जिथे उसकी हालत हुण स्थिर दसी जा रही है। जुनैद के दिल वाले पासे ज़्यादा सट लगी है। अगली खबर भी यूपी तो है, जिथे मेरठ जिले दे विच स्कूल दे प्रिंसीपल ते अपने ही स्कूल च पढ़दी 11वीं जमात दी विद्यार्थी नू नशीला पदार्थ पिया के बलात्कार करन दे दोष च मामला दर्ज किया गया है। विद्यार्थी दी उम्र महज 17 साल है। हस्तनापुर थाना इलाके दे पिंड विच स्थित स्कूल च तैनात प्रिंसीपल तनपाल, जिसकी उम्र 50 साल की है, वह 23 नवंबर को 9 विद्यार्थियों के नाल स्कूल वालों वृंदावन दौरे पर गया से। एक होटल के ठहरने लिए 2 कमरे ले गए थे, जिन्हां विचों एक कमरे च 8 विद्यार्थियों को ठहराया गया, जबकि प्रिंसीपल ने कथित तौर पर पीड़ितों को दूसरे कमरे में अपने नाल रख लिया। विद्यार्थियों को नशीला पदार्थ रात के खाने में पा के खवा दिता और कथित तौर पर प्रिंसीपल ने उस नाल बलात्कार किया। हाले तक ये दोषी प्रिंसीपल बलात्कारी पुलिस को नहीं मिलिया, पुलिस इस नूं लभण लई छापे मार रही है। इस घटना तो भी बच्चियां दे मापियां नूं सबक सीखने की लोड़ है कि जदों कदे स्कूल दे विच कोई एक जिहड़ा मेल बंदा है, मेल टीचर है, चाहे प्रिंसीपल है, कल्लियां बच्चियां नूं ट्रिप ते लैके जावे तां जरूर पुछ पड़ताल करिया करो, अजिहा नहीं होना चाहिए। हुण एक हैरानीजनक खबर तुहानूं राजस्थान तो दसदे आं। दौसा तो वड्डी ते हैरान करन वाली खबर यह सामने आई है कि एक औरत जिसके कतल का केस पुलिस फाइलों के दर्ज है, औरत के कतल के दोष च जेल कट के 2 बेकसूर लोग बाहर भी आ चुके ने, पर हुण 7 साल बाद औरत चंगी भली थिया गई है। इस घटना तो बाद पुलिस की कार्य प्रणाली से सवालिया निशान लगे ने। पुलिस हुण पूरे मामले की मुड़ तो जांच कर रही है। यह कारा राजस्थान नहीं सगों उत्तर प्रदेश के एक शिकायत करता अते उत्थों दी पुलिस ने किया है। उत्तर प्रदेश के कौशी दी रहण वाली आरती कई साल पहला दौसा के मेहंदीपुर बालाजी के रहन लगी सी, छोटा मोटा काम करती सी। उसकी मुलाकात सोनू सैनी नां दे व्यक्ति दे नाल हुई, दोवां दा संपर्क वध्या, दोवां ने विआह करवा लिया, इकट्ठे रहन लग पए। विआह तो कुछ दिन बाद आरती लापता हो गई सी ते लापता होण दे कुछ दिन बाद एक अणपछाती औरत की लाश वृंदावन दे विच इक नहर चों मिली सी। उस तो बाद आरती के पिता ने 2015 दे विच वृंदावन दे विच सोनू सैनी ते दौसा के गोपाल सैनी खिलाफ कतल का मामला दर्ज करवाया। वृंदावन पुलिस ने दोवां नूं फड़ के जेल दे विच डक दिता, तरले पाउंदे रहे पर एक नहीं सुनी गई ते करीब 2.5 तो 3 साल तक ये दोवें जेल विच रहे, फिर जमानत ते बाहर आए। जमानत ते बाहर आउण तो बाद इन्हां ने खुद मसले की जाँच की, दौसा के विशाला पिंड दे विच आरती ज्यों दी मिली। पीड़ता ने मेहंदीपुर बालाजी थाना अफसर अजीत बड़सारा नूं अपनी शिकायत दसी। पीड़ता दीआं गल्लां ते यकीन करन तो बाद सुण तो बाद पुलिस ने बैजूपाड़ा इलाके तो आरती नूं बरामद किया ते दौसा पुलिस ने आरती नूं हुण वृंदावन पुलिस के हवाले कर दिता है। जांच विच सामने आया कि आरती ने पहला सोनू सैनी नाल विआह करवाया, बाद विच विआह भगवान सिंह रिवारी दे नाल करवा लिया ते आराम नाल उत्थे रह रही सी। झूठे कतल दे इल्जाम दे विच जिहड़े बेकसूर व्यक्ति ने उह 2.5 तो 3 साल दी कैद कटते रहे। जब ब्लॉक कलानौर तो खबर है, जिथे बीजेपी के जनरल सकत्तर जतेंद्र कालिया ने अपने करोड़पति गुआढ़ी तो तंग आ के मुल्क के राष्ट्रपति, देश के गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, पंजाब के उन्होंने तो
सोशल मीडिया से वीडियो वायरल करके इच्छा मौत की मांग की है। बीजेपी लीडर के वालों वायरल की वीडियो चर्चा का विशा बनी हुई है। कस्बा कलानौर के बीजेपी के ब्लॉक जनरल सकत्र जतेंद्र कालिया ने सोशल मीडिया से वायरल वीडियो के है कि उसके करोड़पति गुआढ़ी ने उसे पूरी तरह के परेशान किया होया। इस परेशानी के चलद लगातार 8वें महीने तो इंसाफ लैन के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान, SSP गुरदासपुर, डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर लिखती तौर पर इंसाफ की कई बार मांग कर चुके हैं, पर हाले तक उसे इंसाफ नहीं मिलया। उन्हें दसाया कि उसकी पत्नी की मौत होने बाद अपने बुजुर्ग माता के नाल रह रहा है, बच्चे विदेश गए हुए हैं, तो गुआढ़ी करोड़पति होने करके किसी भी दफ्तर में उसकी पेश नहीं जान दिता। अजिहे हालातों के उसू इंसाफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा, इस करके उन्हें सरकार तो मांग की है कि जे उन्होंने इंसाफ नहीं दिता जाता तो उसू गोली या टीका ला के उसकी इच्छा मौत की पूर्ति कर दी जाए।